जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस ने अपनी भर्तियां निकाल दी हैं। उत्तर प्रदेश का DGP मुख्यालय है, उसने ये भर्तियां निकाल दी हैं और ये भर्ती 25,000 पदों के लिए निकली है। दोस्तों इस भर्ती के लिए बहुत से युवा और बहुत सी लड़कियां इंतज़ार कर रहे थे और हमसे कमेंट में पूछे जा रहे थे कि सर यूपी पुलिस की भर्तियां कब आएंगी और इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी दी हुई है, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका साबित हो सकता है। अगर आपको एक वर्दी वाली नौकरी करनी है और आप चाहते हैं कि आपका पुलिस में सिलेक्शन हो, तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है अगर आप इसकी तैयारी करते हैं और इसमें सिलेक्शन पक्का कर लेते हैं। दोस्तों आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि इस भर्ती की डेट कब है, इसके फॉर्म अप्लाई कब होंगे और इस भर्ती में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कितना मांगा गया है और इसमें जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है वो कब तक हो जाएगा। इन सभी के बारे में आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते हैं तभी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी पता लगेगी। और बहुत से कैंडिडेट हमसे कमेंट में कहते हैं कि सर आप फेक जानकारी देते हैं, तो जो इस तरह की बात कहते हैं तो वे केवल वही लोग होते हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। हम बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी देते हैं, कोई भी हम आपको गलत जानकारी नहीं देते हैं। इसलिए आप इस तरह का कमेंट तभी करें जब आप पूरी वीडियो को देखें और हमने जो पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे ध्यान से देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के आपको इसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती है जिसमें 25,000 पदों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये भर्ती निकाली है और इसका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आने वाला है, यानी कि कुछ ही दिन में वो जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा इसके रजिस्ट्रेशन अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे और आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कराया जाएगा। दोस्तों जब आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर दोगे उसके बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी कि सबसे पहले इसमें रिटर्न एग्ज़ाम होगा जिसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपके फिजिकल लिया जाएगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 4800 मीटर की रनिंग कराई जाएगी और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 2400 मीटर की रनिंग लगवाई जाएगी। दोस्तों अगर आप इसके फिजिकल को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल लिया जाता है और इसका मेडिकल ज़्यादा हार्ड नहीं होता, नॉर्मली मेडिकल लिया जाता है। दोस्तों अगर आप इन तीनों चीज़ों को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है और आपको ट्रेनिंग कराई जाती है। आपकी इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग होती है जिसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो दोस्तों यही इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं। दोस्तों अगर इसके रजिस्ट्रेशन अप्लाई होने की डेट की बात करें तो इसमें अभी कोई भी डेट जारी नहीं की गई है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का DGP मुख्यालय है उन्होंने ये सीधा सीधा कह दिया है कि 25,000 पदों के लिए भर्तियां जल्द ही आने वाली हैं और उन्होंने लिखित में इसकी अधियाचना जारी कर दिया है। आप 2 सितंबर के अखबार में देख सकते हैं, सभी न्यूज़पेपर में ये सूचना आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की 25,000 पदों की भर्तियाँ आ चुकी हैं, तो इनके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे कि इसके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा और उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, तभी आपको हमारी वीडियो मिल पाएंगी। दोस्तों अगर आप इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम इसकी अलग से वीडियो बना देंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें जिससे कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।